हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल रंजन से। एक पर आज हम बात करेंगे टावर क्रेन का लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में। तो लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में तो आप सब जानते होंगे दोस्तों, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है। सबसे पहले जान लेते हैं लाइटनिंग अरेस्टर होता क्या है। देखिए, कुछ भी चीज के बारे में जानने के लिए उसका पीछे की रीजन हमको जानना जरूरी होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं लाइटनिंग अरेस्टर होता क्या है। लाइटनिंग अरेस्टर एक्चुअली तांबा एंड पीतल का बना हुआ एक डिवाइस होती है जो लाइटनिंग अरेस्टर के नाम से जाने जाते हैं। बात करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर का काम क्या है। तो सोगा लाइटनिंग अरेस्टर का जो काम होती है, बारिश के मौसम में जो हमारा टावर क्रेन रन करती है, यानी बारिश के मौसम में जो हम जब काम करते हैं टावर क्रेन के थ्रू, तो बारिश के मौसम में अगर बिजली गिरती है, जो हम सबको पता होती है बिजली क्या होती है, तो अगर बारिश के मौसम में अगर बिजली गिरती है दोस्तों, तो बिजली जो है हमारा सीधा मोटर पे असर पड़ता है। अगर बारिश के मौसम में क्रेन रन करते हुए अगर बिजली गिर गया, तो वो बिजली सीधा हमारा मोटर का प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले उसके लिए लाइटनिंग अरेस्टर का प्रभाव, मतलब मोटर पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए लाइटनिंग अरेस्टर का यूज होती है। लाइटनिंग अरेस्टर जो होती है वो क्रेन का टॉप में होती है, और लाइटनिंग अरेस्टर जो है बिजली जो भी गिरती है उसको रोकने की काम करती है, ताकि हमारा जो बिजली गिरी है वो टावर क्रेन का कोई भी पार्ट पे नहीं गिरे, कोई भी जगह को वो नष्ट ना करे। इसके लिए लाइटनिंग अरेस्टर का यूज होती है। लाइटनिंग अरेस्टर का जो एक्चुअल जो काम होती है, वो बिजली को क्रेन का कोई भी पार्ट में गिरने के लिए रुकाने का उसका मेन काम होती है। तो लाइटनिंग अरेस्टर का ये काम है। लाइटनिंग अरेस्टर को लगाने का जो प्रोसेस होती है दोस्तों, लाइटनिंग अरेस्टर को क्रेन में लगाते समय उसका क्रेन की कोई भी पार्ट्स में उसको अटैच नहीं करने का है। लाइटनिंग अरेस्टर जब भी आपको लगाने का है, उसको क्रेन का कोई भी पार्ट्स में उसे अटैच नहीं होनी चाहिए। जहाँ भी आप लाइटनिंग अरेस्टर का एंगरिंग करने वाले हो, उसमें कोई भी एक अलग सा पट्टी लगा के, कोई भी प्लास्टिक का हो, फाइबर का हो, उसमें पट्टी लगा के आप उसको अटैच कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप क्रेन का जो पार्ट्स है उसी पार्ट्स के साथ ही आप उसको नट बोल्ट या तो एंकरिंग कर दो, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्योंकि जब भी बिजली गिरेगी, लाइटनिंग अरेस्टर उसको आकर्षित करके सीधा जमीन में उसको पहुंचाएंगे। ये लाइटनिंग अरेस्टर का काम होती है। तो लाइटनिंग अरेस्टर अटैच करते समय कभी भी लाइटनिंग अरेस्टर क्रेन के साथ में एंकरिंग ये तो अटैच नहीं करना है। उसको जहाँ भी अटैच करने का है, कोई प्लास्टिक फाइबर कुछ भी चीज़ से उसको सपोर्ट करके उसको एंकरिंग करना है, ताकि क्रेन का कोई भी पार्ट्स के साथ उसका अटैच ना हो। बात करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर का अर्थिंग कहाँ होनी चाहिए। लाइटनिंग अरेस्टर का जो अर्थिंग है, उसका अर्थिंग जो हमारा केबल कनेक्शन का जो अर्थिंग है उसके साथ बिल्कुल नहीं अटैच होनी चाहिए। लाइटनिंग अरेस्टर का जो अर्थिंग होती है उसका बिल्कुल एक अलग उसका अर्थिंग होती है। ऐसा नहीं कि आप जो अपना केबल कनेक्शन का जो पावर का जो अर्थिंग होती है आप उसी में उसको अटैच कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। लाइटनिंग अरेस्टर का जो अर्थिंग होती है उसका कनेक्शन अलग ही होती है। उसका सीधा अर्थिंग अलग एक लाइन होती है दोस्तों, उसका अलग एक पट्टी आती है या तो उसका केबल भी आती है, आप दोनों के थ्रू आप उसका अर्थिंग कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आप उसका जो अर्थिंग होती है वो आप मतलब केबल का जो पावर कनेक्शन का जो अर्थिंग है उसी में आप अटैच कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसे आपको ध्यान रखना होगा। बस आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो कर दीजिएगा दोस्तों।